अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरे खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से जुमा मुबारक, और आप लोग मेरे लिए दुआ करिए और मैं भी आप लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सभी के दस मनो कबूल फरमाए और आप लोगों के लिए दिल से बहुत सारा प्यार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और मेरी वीडियो में लाजमी लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज के टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जुमा के दिल की फजीलत, और इस दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह ताला हफ्ते में 7 दिन एक दिन बाबरकत वाला बनाया है। वो जुमा का दिन है, उसमें एक घड़ी दुआ की कबूलियत की है, वो छुपी हुई है उस घड़ी में। जिस खुश नसीब को हाथ उठाने की दौलत मिल जाए वो दुआ फौरन कबूल होती है। हाँ, इंशाल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है कि जुमा के दिन की मैंने जो दुआ मांगी है वो कबूल हो गई है, उसी दिन कबूल हुई है। और वही चीज़ मैंने सोचा क्यों नहीं अपने फैमिली के साथ शेयर करते, इसीलिए मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आप लोग, जुमा के दिन की एक वक्त ऐसा होता है कि उस दिन जो दुआ मांगे वो कबूल होती है, ये बात हकीकत है। दिल से आप लोग दुआ मांगे, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ कबूल होगी, और अल्लाह पर यकीन रखिए तो क्यों नहीं, सच्चे दिल से मांगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना खूब सारा प्यार इस बहन को दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।